Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टाइप दैट इज वर्ब. इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस किया है, उसके सभी टाइप्स और उससे रिलेटेड जितने भी एरर्स एग्जाम्स में आते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब. सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन को समझेंगे कि वर्ब क्या होता है और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वर्ब क्या है. इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की फॉर्मेशन जैसा कि आप सबको पता है क्या होती है. सब्जेक्ट, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, बाकी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. पर हर सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, कि सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो हर सेंटेंस में ये जरूरी नहीं कि वर्ब के बाद आने वाले जो वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट ही हो. वो इसीलिए हम इसे अब ऑब्जेक्ट ना लिखकर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स. ठीक है, यानी कि जितने भी बाद में वर्ड्स आते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट पार्ट में हमारा आता है वर्ब. अब वर्ब क्या होता है. ठीक है, सिंपल सादे शब्दों में वर्ब को हिंदी में बोल दिया जाता है क्रिया. ठीक है, यानी कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंस में होने वाली क्रिया का बोध कराते हैं, यानी कि हमें सेंटेंस के एक्शंस को बताते हैं. ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, माय मदर कुक्स फूड. ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में देखिए ही यहां पर सब्जेक्ट है और ये वाला प्रेडिकेटिव पार्ट है और प्रेडिकेटिव पार्ट में हमारी ये रही वर्ब. ठीक है, तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, जाने का, तो गोज यहां पर एक्शन है. माय मदर, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा प्रेडिकेटिव पार्ट और प्रेडिकेटिव पार्ट में ये रही हमारी वर्ब. कुक्स यानी कि खाना बनाना क्या है, यहां पर वर्ब है. तो पहली चीज, अगर वर्ब की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए या वर्ब का मीनिंग पूछा जाए, तो सबसे पहली चीज आप कह सकते हैं कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं. क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं. अब क्या हर सेंटेंस जो इंग्लिश में या हिंदी में हम बोलते हैं सब में क्रिया होती है. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. शी इज ब्यूटिफुल. ठीक है, शी इज ब्यूटिफुल, वो सुंदर है. यहां पर शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. इज ब्यूटिफुल क्या है, हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है और प्रेडिकेटिव पार्ट की ये रही वर्ब. ठीक है, अब प्रेडिकेटिव पार्ट की ये वर्ब है, इसके बाद ब्यूटिफुल है. ब्यूटिफुल तो एडजेक्टिव है, यानी कि यहां पर ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो क्या है, एडजेक्टिव है, जो किसकी क्वालिटी बता रहा है, शी की क्वालिटी बता रहा है. अच्छा, तो यहां पर आप सोचो कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कहूं, वर्ब तो एक्शन वर्ड्स होते हैं, इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है. इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, यहां पर तो किसी चीज का होना बताया जा रहा है कि वो क्या है, सुंदर है. तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना बताया जा रहा है. ठीक है, तो यानी कि वर्ब की अगर थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन बताई जाए तो वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन वर्ड्स है, इसके साथ साथ वर्ब किसी चीज का होना यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं. नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं. अब अगर मैंने लिखा आई हैव अ पेन. ठीक है, मेरे पास एक पेन है. यहां पर ये रहा हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, और ये रहा हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट. अब प्रेडिकेट पार्ट में हैव रही हमारी वर्ब. अब फिर सोचिए, क्या इन दोनों डेफिनेशंस पर ये खरी उतरती है, क्या यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है यहां पर, यहां पर ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा. ठीक है, चलो पहली डेफिनेशन तो यहां पर कट हो जाती है. दूसरा, स्टेट ऑफ बीइंग, क्या मैं पेन हूं. ठीक है, अगर स्टेट ऑफ बीइंग बताता है ये, तो इसका मतलब होता है कि मैं पेन हूं, ऐसा पेन होना तो नहीं बता रहा है, तो यानी कि ये डेफिनेशन भी यहां पर अधूरी रहती है. तो इस अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट जो निकल कर आता है वो कहता है कि वर्ब हमें
पोजेशन भी बताती है. क्या बताती है? पोजेशन बताती है, अधिकार बताती है कि किसी चीज का किसी चीज के ऊपर अधिकार है. ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर हमें वर्ब को डिफाइन करना पड़े तो वर्ब के अंडर हम पढ़ते हैं कि वर्ब जो है सबसे पहली चीज क्या बता रही थी, एक्शन वर्ड्स बता रही थी. ठीक है, क्या बता रही थी, एक्शन वर्ड्स बता रही थी. दूसरी चीज वो बता रही थी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना बता रही थी. थर्ड चीज वर्ब बताती है पोजेशन, यानी कि अधिकार बताती है. ठीक है, अब एक्शन वर्ड्स में हमारे जितने भी एक्शंस हैं, चाहे वो फिजिकल एक्शंस हैं, चाहे वो मेंटल एक्शंस हैं, सभी आ जाएंगे. ठीक है, हमारा सोचना, हमारा लर्न करना, हमारा थिंकिंग अपने माइंड में लाना, ये सब भी क्या है, एक्शंस हैं, पर वो मेंटल एक्शंस हैं. ठीक है, अब फिजिकल एक्शन जो हमें दिख रहे हैं, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो राइटिंग आपको दिख रहा है कि मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, बट मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो थिंकिंग जो हो गई, लाइकिंग जो हो गई, ये सब क्या है, हमारी मेंटल एक्शंस हो गई. अब स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम बी की फॉर्म को यूज करते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी की फॉर्म को, यानी कि इज, एम, आर, वॉज या वर. ठीक है, जो फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन की बहुत सारी वर्ब हो गई, जैसे रीड, राइट, कुक, वॉक, ठीक है, थिंक, लाइक, ये तरह से, इस तरह से बहुत सारी वर्ब्स हो गई जो इस कैटेगरी में आएंगी. जो स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है वो हमारी बी बता रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर प्रेजेंट में किसी चीज का होना, वॉज, वर पास्ट में किसी चीज का होना बताती है. इसी तरह से फ्यूचर में किसी चीज का होना बताया जाए तो विल या शैल के साथ बी. ठीक है, विल शैल बी होगा, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए इन वर्ब्स का यूज होगा. अब पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, किसी चीज के ऊपर मेरा अधिकार, तो उसे बताने के लिए हैव यूज होता है. हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या टेंस, हैज, हैव या हैड यूज होगा. ठीक है, तो ये रही वर्ब्स हमारी. वर्ब्स में एक्शन वर्ब्स बहुत सारी हैं. स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं, और पोजेशन बताने के लिए हम हैव की फॉर्म का यूज करते हैं. सिंगुलर ही शीट के साथ हैज, और प्लूरल आई यू दे के साथ हैव, और हैड लगता है हमारे पास्ट की किसी चीज के ऊपर पोजेशन बताने के लिए. अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म, सॉरी, वर्ब जो है वो कितनी तरह की होती है. वर्ब को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, वर्ब को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, देयर आर, सबसे पहले आपके पास आती है स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब, यानी कि हम दोनों वर्ब्स को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं. किन दो वर्ब्स को, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स. ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स वर्सेस डायनामिक वर्ब्स. इसी तरह से हम पढ़ते हैं मेन वर्ब और वर्सेस हेल्पिंग वर्ब. फिर उसके बाद आ जाती है हमारी रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. ठीक है, इरेगुलर वर्ब. नेक्स्ट इज अवर रेगुलर, इरेगुलर हो गई. नेक्स्ट आ गई हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. इसके बाद आ गई हमारे पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके अंडर हम पढ़ते हैं क्या, जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स. तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, कि हम वर्ब को जो अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हम इन्हीं वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं. एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं यहाँ पर. सबसे पहले स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब. स्टेटिव वर्ब जो अभी मैंने बताया था, स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाली जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब के अंडर आएंगे. और डायनामिक वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, वो डायनामिक वर्ब होती है, जिसमें हम एक्शन की बात कर रहे हैं, किसी चीज की
जो एक्टिविटी है या एक्शन है उसकी बात करते हैं। फिर आगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हमारे सेंटेंस में कई बार एक ही वर्ब होती है और कई बार एक से ज्यादा वर्ब्स होती है, ठीक है। जब एक ही वर्ब आएगी दैट मीन्स वो मेन वर्ब है, जब एक से ज्यादा वर्ब्स आएंगी, कई बार दो आती है, कई बार तीन वर्ब्स आ जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो मेन एक्शन हो रहा है वो मेन वर्ब और बाकी जो उससे पहले लग रही है वो सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे शी इज रीडिंग, जैसे मैंने अभी बोला था शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, और फिर मैंने लिखा शी इज रीडिंग अ बुक। अब इन दोनों सेंटेंसेस में इज वर्ब यूज हुई है, ठीक है। यहां पर इज जो है अकेली आई है इसलिए मेन वर्ब हो गई, यहां पर इज जो है रीडिंग को हेल्प देने के लिए आई है तो यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और रीडिंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहां पर रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जो ईडी ईडी लगाकर अपनी फॉर्म्स बनाती है, जैसे मैंने लिखा टॉक, टॉक की क्या हो जाएगी, टॉक एंड टॉक्ड। तो ये वाली वर्ब्स क्या है, लास्ट में ईडी को ऐड करके क्या बना देती है, अपनी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जिनके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, जैसे गो की गो, वेंट एंड गोन, ये सब क्या है, इस तरह के वर्ब्स जिसके स्पेलिंग्स चेंज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, और जिसके स्पेलिंग मतलब जो सिर्फ ईडी ईडी लगाकर अपने सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। उसके बाद है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैंने कहा था कि कुछ सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, कुछ के बाद नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं इंग्लिश ग्रामर में जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट की नीड होती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग आधा अधूरा लगता है, और उसके ऑपोजिट होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तब भी सफिशियंट रहेगा। स्टेटिव वर्ब्स इस कैटेगरी में आती हैं, और जो डायनेमिक वर्ब है उसमें कुछ वर्ब ट्रांजिटिव है, कुछ इनट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो सेम रहती है, नॉन फाइनाइट दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कैटेगरीज वर्ब की डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उससे स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ब की फॉर्म को पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ते आए हैं, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, बट यू शुड नो दैट देयर आर फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब को उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जो सेकेंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म होती है उसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। जो फोर्थ फॉर्म होगी उसको बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो फिफ्थ फॉर्म है दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट, बट यहां पर ये हो जाएगी सिंगुलर, कैसे अभी बताती हूं। और ये वाली जो फर्स्ट है वो होती है प्लूरल, और इसी को हम बोल देते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, बेस फॉर्म, यही हमारी क्या होती है, बेस फॉर्म। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ गो का, ठीक है, गो क्या है, हमारी बेस फॉर्म है या सिंपल प्रेजेंट है, प्लूरल वाली, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है वेंट, जो कि है सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द गो, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाती है गो वेंट एंड थर्ड इज गोन। उसके बाद फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो गो का हो जाएगा गोइंग, ठीक है। और जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना, ठीक है, गो के साथ ईएस लगता है तो गोज हो जाता है। तो इस तरह से वर्ब की हमने फोर फॉर्म्स पढ़ी, फर्स्ट गो, सेकेंड वेंट,
थर्ड गोइंग, फोर्थ गोइंग एंड फिफ्थ इज गोस। ठीक है, ये मैंने इस वीडियो में इसलिए बता दिया कि आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको बार बार डिस्कस करने वाले हैं, इनके इनसे रिलेटेड हम जब आईएनजी फॉर्म आएगी तो मैं वी फोर बोल सकती हूँ, जब आपकी थर्ड फॉर्म आएगी तो मैं पास्ट पार्टिसिपल बोल सकती हूँ। तो इस तरह से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो बेस फॉर्म होती है उसको सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं, यानी कि प्लूरल लिखा मैंने यहां पर, यानी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आई यू वी और दे होता है तब हम सिर्फ दस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हम क्या करते हैं, प्लूरल आई दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और सिंगुलर नाउन ही शी और इट इसके साथ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, वी फाइव हो जाती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, बस इतना ही डिफरेंस है, ये प्लूरल आ गया और ये आ गया हमारा सिंगुलर। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर या प्लूरल अकेली आ सकती है, सिंपल पास्ट अकेली आ सकती है, बट पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल अकेली नहीं आती। यानी कि हम जब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, जब हम वी वन प्लस आई एन जी यूज करते हैं तो उससे पहले भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। अगर बाय चांस ये अकेले आएंगे तो वो वर्ब का काम नहीं करेंगे, तब वो जीरेंड या पार्टिसिपल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा ही हैज रेड द बुक। ठीक है, तो ही हैज रेड द बुक, यहां पर देखो रीड रेड रेड स्पेलिंग सेम होते हैं बट प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, तो रेड है, रेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अकेली नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब लेकर आई हैज। She is singing a song. अब यहां पर is singing आया यानी कि V4 आया और helping verb आई, यानी कि V4 अकेली नहीं आई, पर अगर V4 या V3 अकेली आएंगी तो वो verb का function नहीं करेंगी, उस situation में या तो वो noun बनेंगी या वो adjective बनेंगी। I saw a broken glass. ठीक है, मैंने एक टूटा हुआ ग्लास देखा, यहां पर ये वी थ्री है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, पर ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा। अगर मैं ब्रोकन को वर्ब लेकर चलू तो मैं यूज कर सकती हूँ आई हैव ब्रोकन माय फोन। ठीक है, आई हैव ब्रोकन माय फोन, तो यहाँ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आई है तब यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, जब वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आई है, यहाँ पर मेन वर्ब तो सॉ है, ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी हमारी जो वर्ब है उसकी फाइव फॉर्म्स हो गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो अकेली नहीं आती, इसके साथ इन्हें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, अगर ये अकेली आएंगी तो या ये एडजेक्टिव का काम करेंगी या फिर ये नाउन का काम करेंगी यानी कि जीरण का काम करेंगी। जैसे मैंने लिखा सिंगिंग इज माय पैशन। ठीक है, सिंगिंग इज माय पैशन, तो यहाँ पर सिंगिंग जो है वो एक्शन नहीं कर बता रहा है, यहाँ पर ये मेरी हॉबी को बता रहा है, मेरे पैशन को बता रहा है, तो यहाँ पर ये नाउन का यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है कि स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले वर्ड्स, एक्शन बताने वाले वर्ड्स और पोजेशन बताने वाले वर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ब की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि स्टेटिव एंड डायनेमिक, रेगुलर इरेगुलर, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने सीखा कि वर्ब की फाइव फॉर्म्स होती हैं और हर फॉर्म का अलग नाम है, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट verb and its type. In our next video, we will discuss stative and dynamic verbs in detail. Thank you. Have a nice day.